go to start, all program, Microsoft Office Excel, एक्सेल ओपन करने का दूसरा तरीका होता है गो टू स्टार्ट मेनू एंड रन टाइप एक्सेल देन एंटर। एक्सेल ओपन करने का एक और तरीका होता है, जिस फोल्डर में अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर को ओपन कीजिए या फिर डेस्कटॉप पे ही राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक कर दीजिए। अपने फाइल का जो नाम देना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे टाइप कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। राइट क्लिक से एक और बेनिफिट होता है, जब हम स्टार्ट या रन से एक्सेल ओपन करते हैं तो हमें उसे सेव करना पड़ता है और सेव करने के साथ लोकेशन और नेम देना पड़ता है। लेकिन जब हम राइट क्लिक से फाइल को क्रिएट करते हैं तो हमें नेम और सेव दोनों एक ही साथ हो जाता है, इससे हमें थोड़ी सी टाइम की बचत होती है और साथ ही हमारा डाटा सिक्योर हो जाता है। एक्सेल 2007 में ये ऑफिस बटन दिया गया है। इस ऑफिस बटन के अंदर में वही सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जो एक्सेल 2003 के अंदर फाइल मेनू में थे। इस ऑप्शन के में फाइल से रिलेटेड सारे कमांड दिए गए हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला इसके अंदर है न्यू, यहां से हम नया वर्कशीट ले सकते हैं। जस्ट इस पे क्लिक कीजिए, ब्लैंक वर्कबुक चाहिए आपको या फिर कोई टेम्पलेट चाहिए यहां से सिलेक्ट कीजिए और क्रिएट कर दीजिए। उसके बाद वापस इसमें देखते हैं ओपन, ओपन में ऑलरेडी यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, ये सारे वो फाइल्स हैं जो आप रिसेंटली ओपन किए हैं, काम किए हैं, सेव किए हैं। आप जिस फाइल को ओपन करना चाहते हैं वो फाइल इस रिसेंट डॉक्यूमेंट में मौजूद है तो आप जस्ट उस पर क्लिक कीजिए और वो फाइल ओपन हो जाएगा। अगर जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं वो फाइल इस रिसेंट डॉक्यूमेंट में मौजूद नहीं है तो आप इस ओपन ऑप्शन पे क्लिक कीजिए।
जिस फाइल को ओपन करना चाहते हैं उसके सेव सेव किए गए लोकेशन पे जाइए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और ओपन पर क्लिक कर दीजिए, वो फाइल ओपन हो जाएगी। हमने ये फाइल क्रिएट कर चुके हैं, हम एक नया वर्कशीट ले चुके हैं। अब हम इस वर्कशीट को सेव करेंगे। जब भी हम कोई नया वर्कशीट लेते हैं उसे अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करना पड़ता है। अगर हम इस फाइल को सेव ना करें तो दोबारा वो फाइल या किया हुआ काम हमें नहीं मिलता है, इसलिए फाइल को सेव करना बहुत ज़रूरी है। एक्सेल में हम कैसे सेव करेंगे? ऑफिस बटन पे जाइए, सेव ऑप्शन पे क्लिक कीजिए या फिर कंट्रोल एस का प्रयोग कीजिए। सेव करने का शॉर्टकट तरीका होता है कीबोर्ड का कंट्रोल और उसके साथ एस को प्रेस कीजिए। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल एस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो आएगा। यहाँ पे आपको फाइल का नाम टाइप करना है। यहाँ पे हम नाम टाइप कर देंगे। उसके बाद ये ऑप्शन आता है सेव एज टाइप, ये यूज होता है कि अब अपने फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक आएगा। अगर ये आपका सिलेक्ट है तो आपका फाइल 2007 के वर्जन में सेव होगा। अगर अपने फाइल को 2003 के वर्जन में सेव करना चाहते हैं तो 2003 के वर्जन में सेव करें। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि 2007 के वर्जन में सेव हुए फाइल को 2003 के वर्जन में नहीं खोल सकते, अर्थात अपर वर्जन लोअर वर्जन में नहीं खुलेगा। अगर किसी के सिस्टम में जिसको आप फाइल मेल कर रहे हैं या फिर फाइल को आप दे रहे हैं उनके कंप्यूटर में अगर एक्सेल 2007 इंस्टॉल नहीं है तो एक्सेल वर्कबुक की फाइल ओपन नहीं होगी। तो ये आप हमेशा देख लें, हमेशा ये ध्यान रखें कि आपकी फाइल जिसको जा रही है उनके पीसी में क्या 2007 इंस्टॉल है। अगर 2007 इंस्टॉल है तो एक्सेल वर्कबुक पे ही हमेशा सेव करें, अन्यथा एक्सेल 97 से 2003 के वर्जन में सेव करें। इसके बाद आप सेव पे क्लिक कर दीजिए, आपका फाइल सेव हो गया है। सेव फाइल को सेव करने के बाद हम देखते हैं सेव एज। सेव एज और सेव दोनों का काम एक ही है, फाइल को सेव करना। सेव जो सेव का ऑप्शन है ये फाइल नई क्रिएट की गई वर्कबुक को सेव करता है। सेव का जो ऑप्शन है नई क्रिएट की गई वर्कबुक को सेव करता है, और सेव एज का प्रयोग हम पहले से सेव किए हुए फाइल को किसी और नाम से किसी और जगह पे सेव करने के लिए या फिर फाइल का टाइप चेंज करने के लिए उपयोग करते हैं। सेव पर क्लिक कीजिए, नाम
लोकेशन और टाइम सेलेक्ट कीजिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए। ऑफिस बटन में प्रिंट का ऑप्शन मौजूद है। प्रिंट ऑप्शन के अंदर में तीन सब ऑप्शंस हैं, प्रिंट, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू। ये तीनों ऑप्शंस आपकी डेटा को प्रिंट निकालने के लिए यूज होता है, आपके प्रिंटर को प्रिंट कमांड देने के लिए यूज होता है। जब भी हम प्रिंट देंगे, प्रिंट देने से पहले सबसे पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू वह प्रीव्यू होता है जो प्रिंट में आने वाली व्यू को दिखाता है। प्रिंट प्रीव्यू में आप जो देख रहे हैं सेम ऐसा ही आपके पेपर पे प्रिंट होके आएगा। कितने पेजों में प्रिंट आ रहा है ये देखने के लिए आप ऑफिस बटन में एक और ऑप्शन होता है सेंड। सेंड क्या करता है, आपकी इस फाइल को डायरेक्टली मेल करता है। जैसे इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, आपकी आपको आउटलुक का कंपोज मेल में इस फाइल को अटैचमेंट करके देगा। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस टाइप कीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट टाइप कीजिए, यहाँ पे एसएमएस टाइप कीजिए, जो मैसेज आप देना चाहते हो मैसेज टाइप कीजिए और सेंड कर दीजिए। इस ऑप्शन के जरिए आपको टाइम की बचत होती है, क्योंकि आप आउटलुक पे जाओगे, आउटलुक ओपन करोगे, फिर कंपोज मेल पे जाओगे, फिर फाइल को अटैचमेंट करोगे, तो ये जो इतना टाइमिंग है, ये टाइमिंग ये आपको बचाता है, ये टाइम आपका सेव करता है। इसके लिए आपकी मेल आईडी आउटलुक के साथ कॉन्फ़िगर होना जरूरी है। अगर कॉन्फ़िगर नहीं है तो यह काम नहीं करेगा। सेम उसी तरह इंटरनेट फैक्स भी है, अगर आपके पास इंटरनेट फैक्स की सर्विस अवेलेबल है तो इस फाइल को आप फैक्स कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है क्लोज बटन। क्लोज बटन से क्या होता है, जो एक्टिव वर्कबुक है इसको क्लोज कर देता है। आप यहां से क्लोज कीजिए या फिर यहां से क्लोज कीजिए। फिर आता है एग्जिट एक्सेल। एग्जिट एक्सेल क्या करता है, आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन को बंद कर देता है, एक्सेल एप्लीकेशन को बंद कर देता है। आप यहां से कीजिए या फिर डायरेक्टली यहां पे क्लिक करके कीजिए। और जो रिसेंट डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं ये सारे वो डॉक्यूमेंट है जो आपने रिसेंटली ओपन किए हैं। होम मेन्यू में क्लिपबोर्ड ऑप्शन का प्रयोग करेंगे हम। क्लिपबोर्ड में आप यहाँ पे चार ऑप्शन देख रहे हैं, चार स्टैंडर्ड टूल्स हैं। पहला एक जो टूल्स दिख रहा है एक कट का है। अगर आप इस डाटा को यहाँ से मूव कर किसी और लोकेशन पे ले जाना चाहते हैं, इसके लिए आप यहाँ से कट का प्रयोग करें या फिर कंट्रोल एक्स का प्रयोग करें। इस पे क्लिक किया, जिस लोकेशन में आपको लेके जाना है वहां पे रखिए, फिर पेस्ट पे क्लिक कीजिए। यहां से मूव होके सिलेक्टेड लोकेशन पे चला गया। फिर
फिर इसके नीचे ये ऑप्शन कॉपी का होता है, अर्थात आप इस डाटा को कॉपी कर किसी और लोकेशन पे पेस्ट करना चाहते हैं, इसकी कॉपी किसी और लोकेशन पे ले जाना चाहते हैं, इसके लिए आप कॉपी का उपयोग करेंगे। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल सी। जहां आपको पेस्ट करना है उस एरिया पे कर्सर रखिए और पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। नीचे वाला ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, ये फॉर्मेट को कॉपी करता है और पेस्ट करता है। इस पे क्लिक कीजिए और जिस जगह पे ये फॉर्मेट चाहिए उस पे क्लिक कर दीजिए। इसका यूज सिर्फ फॉर्मेट कॉपी करने के लिए होता है। आइए इसका यूज करके देखते हैं। जैसे इस लिस्ट में एक और नाम मुझे जोड़ना है, यहाँ पे एक और नाम हम जोड़ते हैं। अब इस की गई एंट्री पे ऊपर जो फॉर्मेट्स हैं, जो फॉर्मेट्स अप्लाई किए गए हैं लाइन कलर, इस पे लाना है। इसके लिए हम उस ऊपर वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके क्लिक कर देंगे। सेम ऊपर वाले फॉर्मेट में हो जाएगा। अब यहाँ पे नाम है छुप रहा है, यहाँ पे पूरा नाम नहीं दिख रहा है, तो हम इसको यहां से मैनुअली बड़ा कर लेंगे या फिर इस पे डबल क्लिक कर देंगे। फिर आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या ऑप्शंस हैं। इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप जितनी भी कॉपी करेंगे वो सारा इस क्लिप बोर्ड में आपको शो करेगा, जो भी आप कॉपी करेंगे। अगर दोबारा सेम चीज को आपको पेस्ट करना है, जहां पे पेस्ट करना है वहां पे कर्सर रखिए और इस पे क्लिक कर दीजिए, ये क्लिप बोर्ड से चला जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो आपने सीखा कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट और क्लिप बोर्ड का यूज। क्लिपबोर्ड के अंदर एक और महत्वपूर्ण और बहुत ही यूजबल ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का प्रयोग हम हमेशा करते हैं। कॉपी कीजिए और जहां आपको पेस्ट स्पेशल करना है वहां पे सेलेक्ट कीजिए, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप पेस्ट स्पेशल विथ कंडीशन, आप पेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आप अपने डाटा का पूरा डाटा पेस्ट नहीं करना चाहते हैं, उसके कुछ पार्ट को या फिर उसके कुछ कंटेंट को पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप पेस्ट स्पेशल के जरिए कर सकते हैं। ऑपरेशन करना चाहते हैं तो पेस्ट स्पेशल के जरिए कर सकते हैं। सबसे पहले ऑल पे, ऑल क्या करेगा, जैसा आप कॉपी पेस्ट करते हैं सेम वैसा ही करेगा। फॉर्मूला क्या करेगा, जो फॉर्मूला होता है वही पेस्ट कर देगा। जैसे कि जो एड्रेस बार में शो होता है सेम चीज यहाँ पे पेस्ट कर देगा। अगर यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा होगा तो फॉर्मूला को भी वैसे ही पेस्ट करेगा और साथ में फॉर्मेट्स को भी लाएगा। आगे हम देखते हैं पेस्ट स्पेशल में वैल्यू। वैल्यू क्या करता है, सिर्फ वैल्यू को शो करता है, जो कंटेंट होता है सिर्फ कंटेंट को ही पेस्ट करता है,
बाकी फॉर्मेट्स फॉर्मूले वगैरह को ये हटा देता है। आगे देखते हैं फॉर्मेट्स। फॉर्मेट सिर्फ फॉर्मेट्स को ही प्रिंट करता पेस्ट करता है। यहाँ पे देखा आपने फॉर्मेट सिर्फ फॉर्मेट को ही पेस्ट करता है। उसी तरह इसमें दिए गए ऑप्शन ऑल यूजिंग सोर्स थेम या थेम्स को प्रिंट करता है। ये ऑप्शन पर आप जब इसको क्लिक कीजिएगा तो ये आपका बॉर्डर हटा के बाकी सारी चीजों को पेस्ट कर देगा। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर आ गए, वैल्यूज आ गए, सिर्फ बॉर्डर नहीं आया है, जो इसकी बॉर्डर्स हैं बॉर्डर्स नहीं आया है। कॉलम की साइज इससे प्रिंट होती है, इससे फॉर्मूला और नंबर्स फॉर्मेट प्रिंट होते हैं, और ये वैल्यू और नंबर फॉर्मेट प्रिंट होते हैं। ये तो पेस्ट दिया, अब इसके दूसरा पार्ट है ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या करता है आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कोई वैल्यू इसमें लिखते हैं, कुछ डाटा एंट्री करते हैं यहाँ पे, ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं इस नंबर्स को इसमें मुझे ऐड करने हैं। 55 का जगह ए जोड़ के 56 आ जाए, 82 की जगह सॉरी 85 की जगह 87 आ जाए, ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाए। इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, ऑपरेशन में आते हैं और ऐड पे क्लिक कर देते हैं। ऑपरेशन के लिए ये डेटा हमने तैयार किया है। मान लीजिए कि आपके जो ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स को इसमें ऐड करने हैं। जैसे कि 55 जो है यहाँ पे एक जोड़ के 56 आ जाए, उसी तरह बाकियों के सारे चीज करना चाहते हैं। इसके लिए आप कॉपी कीजिए, पेस्ट स्पेशल पे जाइए एंड ऐड पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। सेम उसी तरह आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यहां से आप चार ऑपरेशन कर सकते हैं इसमें। दूसरा आता है, नेक्स्ट आता है स्किप ब्लैंक। इसको देखते हैं, ये भी बहुत यूजुअल चीज है। ये रिप्लेस करने के लिए होता है। जैसे कि हमने यहां पे 5-7 एंट्री करते हैं, यहां पे हम चाहते हैं 50 की जगह 49 आए, 43 की जगह 45 आए, और 101 की जगह 95 है। हमने इन सारे को सेलेक्ट करते हैं, नीचे तक कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे स्पेशल के जरिए, और यहाँ पे स्किप ब्लैंक पे क्लिक करके एंड ओके कर देंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ब्लैंक था ब्लैंक को छोड़ दिया उसने, और जो फिल था उस फिल को यहाँ पे पेस्ट किया है। ये भी हमारे बहुत काम की चीज होती है, हम जब काम करते हैं तो इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। फिर आगे आता है पेस्ट एज ए लिंक। हम जो कॉपी करते हैं, दूसरे सीट पे जाते हैं, पेस्ट एज ए लिंक करते हैं। पेस्ट एज ए लिंक क्या करता है कि इस डेटा को यहाँ पे एज ए लिंक पेस्ट करता है। ये डेटा इस डेटा से कनेक्टेड हो गया है, अगर हम यहाँ पे वो चेंजिंग करते हैं तो वहां पे वो चेंज होगा। जब यहाँ पे 95 हमने किया तो सीट 5 पे आइए, यहाँ भी ये 95 ऑटोमेट हो गया। मतलब सीट 1 का ये जो ए पार्ट है, ये डेटा है, सीट 5 का ये डाटा है, सीट 5 का डाटा सीट 1 से कनेक्टेड है, इसी का लिंक है।
ये कह सकते हैं कि इसका एक वो विंडो है। फिर आगे पेस्ट स्पेशल में और देखते हैं, पहले इसको कॉपी कर लेंगे हम। पेस्ट एज ए लिंक, हाइपर लिंक। पेस्ट एज ए लिंक क्या किया है, डेटा को कनेक्ट किया है। पेस्ट एज ए हाइपर लिंक क्या करेगा, उस एरिया का हाइपर लिंक क्रिएट करेगा। इस पे आप क्लिक करके डायरेक्ट उस सीट पे जा सकते हैं। एक और ऑप्शन इसमें आता है पेस्ट एज इमेज। पेस्ट एज इमेज क्या करता है, इसको पिक्चर फॉर्मेट में सेव करेगा। जब इसे आप कॉपी एज इमेज कीजिएगा तो पूछेगा बिटमैप इमेज या पिक्चर। इसका मतलब होता है कि आप जो पिक्चर पेंट करते हैं वह बिटमैप के इमेज में, यानी पेंट जो पेंट से एमएस पेंट से जो लेते हैं, इस एमएस पेंट से जो लेते हैं, ऐसे फॉर्मेट चाहिए या फिर जेपीजी फॉर्मेट चाहिए। फिर आप यहाँ पे कहीं पे जो वहां पेस्ट करना चाहते हैं वहां पेस्ट कर दीजिए। ये एज ए इमेज, एज ए ऑब्जेक्ट बन के आया है। तो ये थी आपने पेस्ट और पेस्ट स्पेशल क्लिपबोर्ड्स के बारे में पढ़ा जाना। ये बहुत ही यूजबल चीजें हैं, ये हमेशा हमें जरूरत पड़ते हैं, हमेशा इस पे हम काम करते हैं। इसके बगैर हमारा काम आसान नहीं है, हम रोज इसको यूज करते हैं। सो कृपया इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि इसे आप हमेशा अपने वर्किंग प्रोफाइल में, वर्किंग टाइम में यूज करेंगे। होम टैग में हम फॉन्ट सीखेंगे आज कि फॉन्ट का क्या यूज है। फॉन्ट नंबर्स फॉर्मेट के लिए होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए होता है, इन सब चीज़ों के लिए फॉन्ट यूज की जाती है। जैसे मैं इस डेटा को सिलेक्ट किया हमने, यहाँ से हम फॉन्ट का साइज दे सकते हैं कि अपने हमारे टेक्स्ट का साइज क्या होना चाहिए। यहाँ से हम फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम किस फॉन्ट में अपने टेक्स्ट को रखना चाहते हैं। यहाँ से हम मैनुअली बड़ा और छोटा कर सकते हैं, साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने डेटा को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर हमें इसी का बॉर्डर देना है, और जो ये जो आप देख रहे हैं ग्रिड लाइन है, ये प्रिंट में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि लाइनिंग प्रिंट में आए तो आपको यहाँ से बॉर्डर देना पड़ेगा। यहाँ से आप बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो बॉर्डर आपको देना है, या फिर ड्रॉ भी कर सकते हैं बॉर्डर आप ऐसे। या फिर डायरेक्टली आप यहां से दे भी सकते हैं। फिल कलर यहां से दे सकते हैं, आप चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड में व्हाइट की जगह आप यहां पे फिल कलर देना चाहते हैं तब यहां से सेलेक्ट करके दे सकते हैं। टैक्स की कलर देना करना चाहते हैं, टैक्स पे कलर करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। फॉन्ट के बाद सीखेंगे हम अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या करता है, अलाइनमेंट में हम अपने टेक्स्ट, अपने सेल और अपने नंबर्स की अलाइनमेंट को सेट करते हैं। जैसे कि अगर हमें इसे सेंटर में करना है तो सेंटर पे क्लिक कर सकते हैं, लेफ्ट करना है लेफ्ट कर सकते हैं, राइट करना है राइट कर सकते हैं। फिर ऊपर का आप ये देख सकते हैं,
ये अपर एंड बॉटम का अलाइनमेंट है। जैसे यहां पे हमने कुछ लिखा, अबे यहां पे क्लिक कीजिएगा अपर में आएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा मिडल में आएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा बॉटम में आएगा। और ये अलाइनमेंट का है, डिग्री चेंज करता है, इसको रोटेट कर सकते हैं आप जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। फिर में टैब, टैब क्या करता है, जैसे आप आपने टाइप तो C1 पे किया है लेकिन इसको आप शो करना चाहते हैं F1 में, यहाँ पे शो हो, आप चाहते हैं कि मेरा डाटा टाइप यहीं पे हो बट शो यहाँ से करे, तो आप टैब के जरिए सेट कर सकते हैं। पीछे लाना है, इस पे क्लिक कर सकते हैं, आपका डाटा एंट्री तो इसी पे हुई है, इसकी आपने लिखा इसी पे है, एंट्री इसी पे किया है बट शो आपका यहाँ पे हो रहा है, तो इस टैब के जरिए कर सकते हैं आप। इंक्रीज एंड डिक्रीज, इसका शॉर्टकट की होता है अल्ट कंट्रोल प्लस टैब, वापस करने के लिए शिफ्ट के साथ अल्ट कंट्रोल और टैब दबाइए। फिर इसमें आता है रैप टैक्स, जैसे हम कुछ यहां पे लिखते हैं, आप यहां देख रहे हैं कि जो एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर लिखा हुआ है ये F1 से बाहर जा रहा है, G1 H1 पे आ रहा है, अभी तो ये शो कर रहा है लेकिन यहां पे जैसे ही हम कोई वैल्यू एंटर करेंगे ये हाइड हो जाएगा। इसको शो कराने के लिए हम अपने रो को बड़ा करेंगे और यहां से रैप टेक्स करेंगे या एंटर की तरह नीचे आ जाएगा। फिर इसके अंदर आता है मर्ज सेल, मर्ज सेल क्या करता है, सिलेक्टेड सेल को मर्ज कर देता है एक सेल में, इसको वापस आपको अनमर्ज करना है इस पे क्लिक कीजिए वापस अनमर्ज हो जाएगा। मर्ज है, मर्ज क्रॉस है, मर्ज सेल है, अनमर्ज, सारे मर्ज के लिए यूज होते हैं। इसका उपयोग देखिए, इसको वापस अनमर्ज कीजिए। मर्ज हो गया, फिर अनमर्ज कीजिए यहां से आप, या आप देख रहे हैं ऐसे अनमर्ज हुआ है। दोबारा करके देखते हैं, आपने सिंपल मर्ज किया तो जितने सेक्टर सेल थे उस सेल को एक में मर्ज कर दिया, वापस को अनमर्ज किए। अगर आप मर्ज अक्रॉस सेल करते हैं तो ये कॉलम को मर्ज कर रहा है रो वाइज, तो डिफरेंट डिफरेंट यूजेज है, जैसा आपका यूज हो ऐसा आप यूज कर सकते हैं। हम देखते हैं यहां पे नंबर फॉर्मेट, कि नंबर फॉर्मेट क्या करता है, ये नंबर की फॉर्मेटिंग के लिए होता है।
जैसे आप इसका परसेंटेज निकालना चाहते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए आप इक्वल दबाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, जो टोटल नंबर है उसे डिवाइड कीजिए, नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। अब इसको आप फॉर्मेट परसेंटेज फॉर्मेट लेना चाहते हैं तो परसेंटेज पे क्लिक कर दीजिए, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज। इसको अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहां से आप करेंसी को सेलेक्ट कीजिए और कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम यहां पे नंबर टाइप है, आप जनरल वो नंबर में चाहते हैं, करेंसी में चाहते हैं, करेंसी यहां सेलेक्ट कीजिए, या फिर अकाउंटिंग में चाहते हैं, अकाउंटिंग में डेसिमल्स पॉइंट्स आएंगे, डेट है, अगर आप डेट चाहते हैं तो डेट फॉर्मेट में आएगा। जो भी आप नंबर्स की फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, टाइम फॉर्मेट, यहाँ टाइम आएगा, परसेंटेज तो आप देख ही रखे हैं, जनरल करना है तो आप जनरल में आ जाइए। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉमा, ये सेपरेटर होता है 1000 का। जैसे आप यहाँ पे 1000 से ज्यादा कोई लिखिए, कॉमा का प्रयोग कीजिए, ये 1000 के बाद कॉमा सेपरेटर लग जाता है। ये डेसिमल पॉइंट होते हैं, यहां से आप इंक्रीज कर सकते हैं, यहां से डिक्रीज कर सकते हैं। अगर इसमें आपको ज्यादा कुछ करना है तो आप इस पे क्लिक कीजिए और ये आपका नंबर्स फॉर्मेट आ जाएगा, जैसा चाहिए वैसा आप ले सकते हैं। फिर आता है स्टाइल। स्टाइल में तीन ऑप्शन हमारे पास, कंडीशन फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज ए टेबल और सेल स्टाइल। हम सबसे पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग देखते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट रूल्स है, इससे ग्रेटर देन आप चाहते हैं जो 60 से अपर है, ज्यादा है, 60% से जो ज्यादा है, अपर है, ग्रेटर है, उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, यहां पे आप 60% दे दीजिए, यहां पे हाईलाइट हो जाएगा, एंड ओके कर दीजिए। अगर आप कलर कोई और चूज करना चाहते हैं तो यहां से कस्टम फॉर्मेट पे जाके आप यहां से सेल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सेम उसी तरह हाईलाइट में लेस देन, अगर आप चाहते हैं कि 40% से जो कम आए हैं उनको हाईलाइट करना चाहते हैं तो सेम उसी तरह कर सकते हैं। उसके बाद बिटमीन, आप चाहते हैं यहां पे 50% से 60% को हाईलाइट करना चाहते हैं या इसी टाइप में कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहां से आप कलर चॉइस कर सकते हैं, जो कलर आपको चाहिए, देन ओके। हाईलाइट में इक्वल टू एवी सेम है। अब आता है टेक्स्ट कंटेन। टेक्स्ट कंटेन हम टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने नाम को सिलेक्ट कर लिया है इस रो को, हम चाहते हैं जिसके नाम में कुमार लगा हुआ है वो हाईलाइट हो जाए, तो टेक्स्ट कंटेंट में आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए जो टाइप करना चाहते हैं, कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं कलर सेलेक्ट कर लीजिए यहां से और ओके कर दीजिए। जिसके नाम के साथ कुमार लगा हुआ है वो यहां पे हाईलाइट हो जाएगा। फिर इसके आगे इसमें हाईलाइट में डेट है, डेट पे अप्लाई होता है। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करता है। अगर एक सेल में एक ही नाम दो बार आ रहा है तो उसको हाईलाइट करता है। जैसे इसमें देखते हैं
कि किस किस का मार्क सेम है। डुप्लीकेट पे क्लिक कर लेंगे एंड ओके करेंगे। अब यहां देख रहे हैं मनीषा और मनजीत कौर, इनकी मार्क्स सेम है। आप यूनिक भी देख सकते हो किस किस का यूनिक है, ये सारे हैं जिसका यूनिक है तो डबल नहीं हुए हैं। इस तरह से आप डुप्लीकेट चेक कर सकते हो कि आपके डेटाबेस में कौन कौन से वैल्यू डुप्लीकेट्स हैं। फिर इसके अंदर आता है फॉर्मेट एज ए टेबल। कंडीशन फॉर्मेटिंग में और भी आगे चीजें हैं, आप वो भी देख सकते हैं। उससे टेबल से पहले हम कर लेते हैं। टॉप और बॉटम रूल्स को पढ़ेंगे हम। टॉप बॉटम क्या करता है, टॉप 10 जो आपके टॉप 10 होंगे वो उसको हाईलाइट कर देगा, जिसकी जो इसमें वैल्यू दिया हुआ है सबसे ज्यादा जो 10 में होंगे, जो टॉप 10 होंगे उसको यहाँ पे हाईलाइट करेगा। यहाँ से आप इसको टॉप 5 भी कर सकते हो, टॉप 15 भी कर सकते हो, टॉप 10 भी कर सकते हो, टॉप 2 भी कर सकते हो। जो भी आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे वही आएगा, वही आपके हाईलाइटेड होंगे। सेम इसी तरह टॉप 10 परसेंटेज पे होगा, परसेंटेज पे अप्लाई होगा ये। फिर टॉप बॉटम 10 नीचे से सबसे कम जो होंगे बॉटम जो होंगे उस 10 या 5 या जितना भी आप यहाँ पर डालेंगे उसको हाईलाइट करेगा। उसी तरह परसेंटेज का भी है, एवरेज है, बिलो एवरेज है। इसमें आगे हम सीखेंगे डेटा बार। डेटा बार डेटा की जितनी इस सीरीज जो सिलेक्टेड सीरीज है, इस सीरीज में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, हाईएस्ट के अकॉर्डिंग जैसे 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 कम रहा है, इसकी वैल्यू कम रही है वैसे वैसे डेटा लेवल यहाँ पे कमेगा। आप देख रहे हैं 45 कम है तो यहाँ पे इसकी डेटा लेवल कम है। इस तरह से हाईलाइट करती है, इस तरह से शो करती है। इस रूल को क्लियर करना है, क्लियर रूल क्लियर कर सकते हैं। सारे एक जैसे हैं, कलर अलग अलग है। फिर कलर स्केल भी उसी तरह काम करती है। हाईएस्ट के लिए अलग कलर होता है, लोएस्ट के लिए अलग, मिडल के लिए अपर मिडल, लोअर मिडल, इन सब के लिए अलग अलग कलर यहाँ पे डिफाइन करता है एंड पूरी सीरीज पे डिपेंड करता है। फिर इसके बाद आता है इसके अंदर कलर स्केल भी सारे एक जैसे हैं। आइकन्स, आइकन्स डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये बॉटम से 55 है, इसका कलर कुछ और है, ये अपर में है, ये लोअर है, ये अपर मिडल है, इसका सिंगल अलग है। तो इस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं। इस रूल को मैनेज करना है, अब जाके मैनेज से मैनेज कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, क्लियर करना है क्लियर करना है। फिर इसके अंदर आता है फॉर्मेज एज ए टेबल। जैसे ये फॉर्मेज टेबल क्या होता है कि बड़ी पर डिफाइन की हुई फॉर्मेट के अंदर टेबल को डाल देता है। ये टेबल बन गई हमारी। यहां से आप इसको बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं टेबल को। यहां पे आप सम का वैल्यू डालना चलते हैं, राइट क्लिक कीजिए, टेबल पे जाइए, टोटल रो, नीचे आपका सम का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ भी चाहिए सम करना चाहते हैं, मिनिमम मैक्सिमम करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं यहाँ साथ कर सकते हैं। हटाना चाहते हैं डन कर दीजिए, हट जाएगा। लाना चाहते हैं वापस, सम करना है सम कर दीजिए। इसको आगे की तरफ इंक्रीज करना है ऐसे यहां से ड्रैग कर सकते हैं। यहां पे आप एवरेज डालना चाहते हैं यहाँ एवरेज भी डाल सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाहते हैं आप तो यहां से चेंज कर सकते हैं, या फिर टेबल टूल्स पे क्लिक कीजिए और यहां से चेंज कीजिए। जो भी आप चाहिए जैसा आप चाहते हैं वैसे यहां से डाल सकते हैं।
हिडारो आएगा, हटा दोगे हिडारो शो नहीं होगा। फर्स्ट कॉलन हाईलाइटेड होगा, टोटल रो यहाँ से दिखेगा, यहाँ से हटा दोगे तो नहीं दिखेगा। लास्ट कॉलम हाईलाइटेड हो जाएगा, जो बॉर्डर को है बैंडन रो है वो हट जाएंगे, बैंडन कॉलन है वापस आ जाएंगे। रिफ्रेश कर सकते हैं इसको ताकि आपने कोई डाटा इनपुट किया है उससे हो सकता है। टेबल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डुप्लीकेट्स मूव कर सकते हैं इसमें से, जैसे इसमें कोई डुप्लीकेट्स हैं तो यहाँ से आप डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दीजिएगा तो इसमें डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे। ये सारे ऑप्शंस हैं। इसके बाद आता है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल भी जैसे फॉर्मेट की तरह होता है, जो भी फॉर्मेट चाहिए स्टाइल चाहिए प्री डिफाइंड स्टाइल्स होते हैं यहाँ से आप डाल सकते हैं, चाहिए तो अपना स्टाइल बना भी सकते हैं। आइए बनाएंगे कैसे अपना स्टाइल। सेल स्टाइल पे जाइए, न्यू स्टाइल पे क्लिक कीजिए, यहाँ से फॉर्मेट पे आइए, फॉर्मेट और फॉन्ट ब्रश सेलेक्ट कीजिए जो चाहिए आपको, बॉर्डर सेलेक्ट कीजिए अगर बॉर्डर चाहते हैं तो, बॉर्डर कलर यहाँ से दे सकते हैं। कोई फिल कलर चाहिए तो फिल कलर भी दे सकते हैं, ओके। और स्टाइल वन नाम या नाम भी चेंज कर सकते हैं या फिर स्टाइल वन ही रहने दीजिए। फिर यहाँ पे ये देखिए स्टाइल वन, यहाँ अप्लाई कीजिएगा आपका फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा, आपने जो फॉर्मेट बनाया है। इसमें आते हैं इंसर्ट। इंसर्ट से क्या होता है कि हम सिलेक्टेड एरिया का पे इंसर्ट पे क्लिक कीजिए तो कॉलम इंसर्ट कर दे, जैसे यहाँ पे देखिए इंसर्ट पे क्लिक करेंगे देखिए एक रो कॉलम इंसर्ट कर दिया। आप एक सेल इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये सेल इंसर्ट कर देगा, एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो एक रो इंसर्ट कर देगा। उसी तरह आप डिलीट करना चाहते हैं, अगर आप एक कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो कॉलम डिलीट कर देगा, एक रो डिलीट करना चाहते हैं रो सेलेक्ट कर लीजिए रो डिलीट कर देगा, एक सेल डिलीट करना चाहते हैं यहाँ पे डिलीट कर देगा ये। फिर आते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट क्या होता है हमारा, फॉर्मेट बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। पहले तो हम देखते हैं ये रो सेल साइज, सेल में रो हाइट कितनी होती है, जो जो रो की जो हाइट दिख रही है हाइट को बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने 15 कर दिया तो इसकी साइज बढ़ गई, 15 हो गई, या मैनुअली आप यहाँ से ही बढ़ा सकते हो या फिर सिलेक्शन जो सिलेक्टेड होगा उसका बढ़ा देगा। ऑटो फिट, ऑटो फिट क्या करता है कि इसके ऑटोमेटिक फिट कर देता है, इसकी जो जितनी साइज चाहिए इस टेक्स्ट के लिए उतनी साइज ऑटोमेटिक डाल देता है। सेम कंडीशन कॉलम के लिए होता है, कॉलम विथ आप यहाँ से मैनुअली चेंज कर सकते हो सिलेक्टेड को, या फिर यहाँ से खुद बढ़ा सकते हो मैनुअली। फिर आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट क्या होता है कि जितना इसको चाहिए बाय डिफॉल्ट जितना इसको चाहिए उतना है और डाल देता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आपका आता है डिफॉल्ट विथ। डिफॉल्ट विथ मतलब करता है कि जो एक्सेल में ओपन करते हैं उस समय जो साइज होता है उस साइज को यहाँ पर डाल देता है फॉर्मेट के अंदर। फिर आता है हाइड एंड अनहाइड रो। इससे क्या होता है रो हाइड हो जाएगी, देखिए यहाँ पे एक रो हाइड हो गई है, सॉरी सेल सेल हाइड हुआ है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जाके हम हाइड करते हैं, हाइड रो हो गया। सेम कॉलम हाइड करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे 13 के बाद 14 गायब हो गया, 15 आ गई है हाइट कॉलम। फिर यहाँ पे आइए हम हाइट सीट, जो 3 नंबर सीट है इसको हाइट कर देते हैं। फिर वापस हमको अनहाइट करना है, सीट को अनहाइट करना है तो यहाँ पे सबसे नीचे आइए अनहाइट सीट होती है सेलेक्ट कीजिए ओके कीजिए। फिर आपको इसको करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं या राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। फिर सेम इसके लिए भी सिलेक्ट करके कीजिए या फिर यहाँ से कीजिए अनहाइड रो। फिर इसके आता है और ये आता है सीट पे आता है रिनेम सीट। इससे क्या आता है सीट रिनेम होता है, यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं या फिर आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं।
उसके बाद आता है मूव एंड कॉपी। जैसे ये सीट है, इस डाटा सीट है, इस सीट को आप मूव करना चाहते हैं, मूव कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक जो आपकी फाइल जो खुली है उसी के अंदर सीट इधर उधर, जैसे कि यहाँ पे सीट 2 है, रिपोर्ट है, 5 है, इसको इधर कहीं लेना जाना चाहते हैं तो जहाँ भी ले जाना है, जिससे पहले रखना है उस पर सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, ये रिपोर्ट से पहले आ गया। अब मैनुअली भी ऐसे उठा के डाल सकते हैं। अगर इस सीट को आप चाहते हो कि किसी और फाइल के अंदर ले जाना है, यहाँ पे वो फाइल को खुली होनी चाहिए, वो फाइल खुली है सिलेक्ट कर लीजिए और कर दिया। आप चाहते हैं कि नया वर्कबुक में जाना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए, यहाँ से अगर क्रिएट कॉपी करते हैं देखिए कॉपी बन के जाएगी, नहीं तो पूरा का पूरा उठ के चला जाएगा। क्लिक कीजिए, एक नया सीट बन, एक नई फाइल बन गई और नया पे आ गया, पूरे पूरी की पूरी की पूरी सीट उठ के आ गई यहाँ से। फिर इसके आगे हम देखते हैं इसमें क्या टाइप कलर। टाइप कलर से क्या होता है कि अब ये जो बैकग्राउंड इसकी कलर होती है, टाइप की जो कलर होती है बीजी कलर, उसको चेंज करता है। आगे हमारे पास है प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट से क्या होता है, इसमें पासवर्ड डालते हैं। अब सीट प्रोटेक्ट हो गई, इसमें कोई भी कुछ भी टाइप नहीं कर सकता है। इसको आप बस अनप्रोटेक्ट करना है तो आप अनप्रोटेक्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे पासवर्ड डालिए एंड ओके कर दीजिए और ये सीट आपकी अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। अच्छा, प्रोटेक्ट सीट में हम एक चीज़ देख रहे थे कि इसके अंदर बाकी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखो एक क्या है कि जो हम यूजर को अलाउ कर रहे हैं, अभी हमने क्या किया, सिलेक्शन सेलेक्ट लॉक सीट और सेलेक्ट अनलॉक सीट, अगर ये दोनों का हम हटा देते हैं तो इस फाइल को कोई इसमें से आप कोई सेलेक्ट भी नहीं कर सकता है, कोई डाटा कॉपी नहीं कर सकता, कोई सिलेक्शन नहीं कर सकता है। वापस इसको हम अनप्रोटेक्ट करते हैं, अनप्रोटेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके हम दोबारा प्रोटेक्ट करके देखते हैं और क्या किया है। बाकी सारे फॉर्मेट से आकर इसको क्लिक कर दीजिएगा तो सेल को फॉर्मेटिंग कर सकता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो फॉर्मेट कॉलम को फॉर्मेट कर सकता है, रो को फॉर्मेट कर सकता है, फिर इंसर्ट फॉर्मेट कर सकता है। तो जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, अगर सब पे आप जो जो आप देना चाहते हैं, यूजर को राइट्स देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे यूजर को राइट्स मिल जाएंगे। तो आपका फॉर्मेट यहाँ पे आती है फॉर्मेट सेल्स, जो पहले भी आप कितनी बार देख चुके हैं, यहाँ से सारे के सारे फॉर्मेट सेल्स का विंडो खुलेगा, इसके से जो भी करना चाहते हैं सारे एक जगह आपको मिलेंगे। तो आपकी सेल सेल भी आपकी कंप्लीट हो गई है। तो आपने अभी तक सीख लिया क्लिपबोर्ड, जिसके अंदर पेस्ट इरेजर आपका सबसे मेन चीज़ था, वो आपने सीख लिया। फिर आपने फॉन्ट सीख लिया, अलाइनमेंट सीख लिया, नंबर सीख लिया, स्टाइल में आपका कंडीशन फॉर्मेटिंग सबसे मेन चीज़ था, उसको आपने सीख लिया। फिर आपने फॉर्मेट को सीख लिया और डिलीट और इंसर्ट को सीख लिया। फिर आपकी आती है एडिटिंग। इस होम की लास्ट लास्ट टैब होती है एडिटिंग, सब टैब इसको बोलते हैं, इसका एडिटिंग होती है। इसमें क्या कर सकते हैं, ये होता है ऑटो सम। ये क्या करता है, ऑटोमेटिक यहाँ से सम करता है, इस पर 2 बार क्लिक कर दीजिए, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक सेम सम करके दिखा देगा। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका यहाँ पे डाटा है, इतना सारा आपने डाटा रख दिया, इसको ऑटो सम आप करोगे, अभी तो फिलहाल दिखा दे रहा है, पूरा इंटर कर दिखा दे रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने यहाँ से किसी को डिलीट कर दिया और फिर दोबारा आप ऑटो सम कर रहे हैं तो यहीं तक का दिखाएगा, जैसे आपने देखा अभी, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो जहाँ पे ब्रेक होगा वहीं तक जाएगा, जहाँ पे कंटिन्यू सीरीज चल रही है वहीं पे जाएगा, जहाँ पे सीरीज ब्रेक हो रही है, सेल ब्लैंक मिल रहा है, वो उससे पहले वाले सेल तक ही रुक जाएगा वो। ऑटो सम में और भी सारी चीज़ें हैं, एवरेज है, काउंट है, एवरेज क्या करता है, एवरेज निकाल के देगा इसका, इस पर एवरेज पे क्लिक कीजिए, एक बार एवरेज पे, फिर दोबारा इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका एवरेज निकाल देगा। उसी तरह सारे फॉर्मूले हैं, मैक्स है, मैक्स पे क्लिक कीजिए, कर दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू निकाल के आपको दे देगा। उसी तरह आपका बाकी सारे ऑप्शंस हैं जो काम करते हैं। फिर आता है आपका रिफिल। फिल क्या करता है, फिल करता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने आपका जो जो भी यहाँ पे जो ऊपर में लिखा हुआ, मान लीजिए फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ, सेम फॉर्मूला आप नीचे कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो आपको दोबारा यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आगे कंट्रोल वी करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे यहाँ ऑन बोर्ड से जाते हैं, ऑन बोर्ड से आपने यहाँ कॉपी किया, फिर कर्सर रखा, यहाँ आपने पेस्ट कर दिया। तो इतने सारे ऑप्शन आप इतने बड़े आपको चलना पड़ा, 2 बार 3 बार करना पड़ा, आप यहाँ से डाउन कर दीजिए हो जाएगा। इसके बाद शॉर्टकट की होता है कंट्रोल डी प्रेस करते हैं ऊपर के चीज़ को नीचे पेस्ट कर देगा। सेम कंट्रोल आर क्या करता है, राइट राइट में कर देता है। अगर आपको लेफ्ट में करना है तो यहाँ से जाइए और लेफ्ट में कर दीजिए, लेफ्ट में पेस्ट कर देगा ये। अप में करना है या अप में सिलेक्शन कीजिए, ये अप में कर देगा। डाउन करना है तो डाउन के लिए बताया था कंट्रोल डी। एक होती है सीरीज। सीरीज क्या करता है, सीरीज बनाता है।
जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे सीरियल नंबर देना है 100 तक का या फिर 500 तक का देना है, तो आप क्या करते हैं लिखने के बाद इसको ड्रैग करते हैं, मैनुअली ड्रैग करते हैं, तो इसमें क्या होता है हमारा टाइम ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऐसे आप ड्रैग करते हैं। लेकिन सीरीज में एक हमारे पास ऑप्शन है, पहला स्टेप आप डाल दीजिए, पहला स्टार्टिंग नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, फिर आप पूरे के पूरे रेंज जितना भी चेंज सेलेक्ट करना चाहे जल्दी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप फिल में आइए, सीरीज में जाइए, ये स्टेप वैल्यू पूछता है कि स्टेप वैल्यू क्या है आपका, आपने यहाँ पे 1 डाल दिया और स्टॉप वैल्यू कहाँ पे जाके रुका, आपने यहाँ पे 100 डाल दिया, ओके कर देते हैं तो ये कर देता है। उसी तरह आप सेम कॉलम में भी कर सकते हो, आपने सेक्शन किया, सिलेक्शन किया, फिल पे गए, सीरीज किया, आपने यहाँ पे रो की जगह कॉलम को सिलेक्ट किया, स्टॉप वैल्यू आपने 20 कर दिया एंड ओके कर दिया। फिर दोबारा करते हैं, हुआ क्यों नहीं, कुछ प्रॉब्लम है इस कारण से हुआ नहीं, देखते हैं दोबारा करके, फिर 10 करते हैं, सॉरी 5 करते हैं। तो देखिए आपको 5 तक हो गया है, हमने 20 डाल दिया था इस कारण से क्योंकि मैं 20 सिलेक्शन के अंदर नहीं था, इस कारण से नहीं हुआ था, अभी आप 20 कर दिया, हमने 5 किया, 5 सिलेक्शन था तो 5 उसने करके दिखा दिया। उसी तरह अब आगे इसमें एक ऑप्शन है डिलीट का, क्लियर का, सॉरी क्लियर यहाँ पे कीजिए तो क्लियर ऑल मतलब सब चीज क्लियर कर देगा, फॉर्मेट सेल बॉर्डर हर चीज इसमें से क्लियर कर देगा, क्लियर ऑल। फिर यहाँ पे क्लियर पे आइए, यहाँ पे आता है वापस क्लियर फॉर्मेट्स, सिर्फ फॉर्मेट्स को क्लियर करेगा, डाटा को हटने देगा। फिर आगे इस पे आगे क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें क्लियर कंटेंट, जो डिलीट काम करता है ना, डिलीट जो काम करता है डिलीट ऑप्शन, वो उसको उसका काम करेगा, फॉर्मेट्स बॉर्डर वगैरह रहने देगा, सिर्फ डेटा को डिलीट करेगा, कंटेंट जो है कंटेंट को डिलीट करेगा। फिर आता है क्लियर कमेंट्स, जैसे कमेंट होता है ना परसेंटेज है तो कितने कितने में, इसमें क्या है कि आउट ऑफ नहीं, इसमें आप कमेंट देते हैं इंस्टेंट कमेंट, आपने दे दिया कि यहाँ पे कमेंट डाल दिया टोटल मार्क्स इज 200, आप चाहते हैं कि इस कमेंट को यहाँ से इस कमेंट को डिलीट करना, यहाँ से आप इसको हाइड कर देते हैं, इस पर कर्सर रखते ही कमेंट आ जाएगा, और चाहते इस कमेंट को सिर्फ डिलीट करें तो यहाँ पे जाइए क्लियर में जाइए, यहाँ से कमेंट पे किसी क्लियर कमेंट कर देगा। फिर आता है सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर के लिए हमें एक सॉर्ट एंड फिल्टर लाइक डाटा लेना चाहिए होगा, उस पर सॉर्ट एंड फिल्टर काम करेगा, तो एक डाटा वाली फाइल को हम यहाँ से ओपन करते हैं, ये फाइल है। अब यहाँ पे देखिए सब तो असेंडिंग और डिसेंडिंग के अंदर ही है, अब मान लीजिए कि ए बी ये करते हैं, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं, अब इसको असेंडिंग में है, आपको डिसेंडिंग में करना चाहते हैं, सिलेक्शन कीजिए पूरा का पूरा और यहाँ से इसको सॉर्ट पे जाइए, सॉर्ट ए टू जेड, या फिर यहाँ पे आइए जेड टू ए, माफ कीजिएगा ये हुआ नहीं, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा बहुत पूरी के पूरी डाटा सेलेक्ट है, बहुत सारा डाटा सेलेक्ट इस कारण से नहीं हुआ, इसके लिए हमें यहाँ पे कस्टम सॉर्ट लेना पड़ेगा, कस्टम सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट में जाएंगे हम, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नेम, यहाँ पे जेड टू है एंड ओके, अबे हो गया। उसी तरह आप कस्टम में आइए, सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से आप ए टू जेड कीजिए आ जाएगा, आपका वैल्यू होगा तो वैल्यू में लोअर अपर दिखाएगा, जैसे यहाँ पे हम हाउस नंबर के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं तो कस्टम सॉर्ट इसमें क्या है हाउस नंबर, यहाँ पे नंबर आएगा स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, ये दिख गया। अब इसके नीचे आता है फिल्टर, फिल्टर का यूज करता है, फिल्टर के लिए हम एक फिल्टर लाइक डाटा उठाते हैं,
अब इसमें हमें फिल्टर लगाना है, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस कॉलम जो हेडिंग कॉलम है आपका, जो हेडिंग है उस हेडिंग को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे फिल्टर पे सिलेक्ट कर दीजिए। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट एल, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि डेट बताओ, चाहते हैं कि 24 मार्च का ही फिल्टर शिफ्ट डाटा दिखे, यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए, 24 मार्च को सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कर दीजिए, ये 24 मार्च का डाटा आपके पास आ गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं कोई और डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे आप ओके सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। उसी तरह आप नंबर्स पे कर सकते हैं, उसी तरह नाम पे कर सकते हैं। इसमें और भी बार सीखने वाली चीज़ें हैं, टैक्स पे आते हैं, इक्वल टू जो टैक्स फिल्टर, इक्वल टू आपने कोई डाल दिया, जैसे आपने इक्वल डाल दिया अशोक, बहुत सारे लिस्टेड है आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए, नाम लिखते ही आपके कीजिएगा सिर्फ अशोक के यहाँ पर डाटा दिख गया। उसी तरह यहाँ पे और भी सारी चीज़ें कर सकते हैं इसमें आप, जैसे दक्षिण पुरी है, इस पुष्प विहार है, तो आप चाहते हो जो जिसमें कॉमा लगा हुआ, इसमें कहीं पर कॉमा लगा हुआ है जो दिख रहा है, कॉमा है, कहीं पर कॉमा नहीं है, आप सेलेक्ट चाहते हो कि इसमें जितने भी कॉमा है वो कॉमा सेलेक्ट कर जाए। टेक्स्ट फिल्टर में आप जाइए, कंटेंट पे आइए और यहाँ पे कॉमा डाल दीजिए एंड ओके कर दीजिए, तो सिर्फ कॉमा वाला सिलेक्ट हो गया, फिल्टर होकर आ जाएगा आपके पास। उसी तरह आप बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर है जो आप कर सकते हो, जैसे कि इक्वल, डू नॉट इक्वल, इक्वल आपने देखा, आपने डू नॉट इक्वल इसके बराबर ना हो तो इसके जो आपने डाटा डाला है उसके अलावा बाकी सारा जो होना है, बिगिनिंग विथ स्टार्टिंग किससे हो, जैसे आपने बोला कि जिसकी स्टार्टिंग वन से हो वो हो जाए, जो वन से स्टार्ट है वो आके जाए, जो वन से जितने भी स्टार्टेड है वो सारे आ गए। आप एंड, इसमें बिगिनिंग एंड होता है, एंड विथ होता है, एंड विथ आप चाहते हैं जिसका स्टार्टिंग पूरी से है, एफ यू आर आई पूरी, तो पूरी वाले सेक्टर के आ गए सारे, तो यहाँ से उसी तरह कंटेन कर सकते हैं, डज नॉट कंटेन भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, कस्टम फिल्टर, कस्टम फिल्टर में सारे के सारे आपके पास आ जाते हैं, जो भी आप चाहिए, जो भी कंडीशन देना चाहते हैं वो कंडीशन देकर आप कर सकते हैं। ये एंड होता है, इसका मतलब कि दो भी लगा सकते हैं कंडीशन, कि आप दक्षिण पूरी हो, दूसरा कॉमा हो, ये भी लगा सकते हो, वन हो या फिर कॉमा हो, तो सारे यहाँ पे लेके जा सकते हो, इसमें दो ऑप्शन भी लगा सकते हो, एक भी लगा सकते हो। इसके बाद कलर फिल्टर, इस पर कलर फिल्टर भी लगता है। कलर फिल्टर कैसे लगाएंगे, हमने कलर कर दिया, हमने दो तरह कलर करते हैं, एक कलर करते हैं हम टेक्स्ट कलर, एक करते हैं हम बैकग्राउंड कलर, फिर लगाते हैं फिल बाई कलर, ये हम आपका फिल कलर होता है, फिल कलर पे हम सेलेक्ट कर लिया, फिल आ गया। दूसरा होता है नो फिल, नो फिल, नो फिल भी करेंगे जितने भी नो फिल आ जाएंगे। फिर इसमें हम ये कर सकते हैं, फिल में दो तरह के, एक है आपका फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर सेलेक्ट कीजिए फॉन्ट कलर आ जाएगा, नो फिल कीजिएगा नो फिल आ जाएगा, सेम इसी तरह। वापस आपको फिल्टर हटाना है तो आप यहाँ से इस पर क्लिक कर दीजिए, फिल्टर हो जाए, हट जाएगा। तो फिल्टर्स के यूज होते हैं। फिर आता है फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड क्या करता है, फाइंड का शॉर्टकट ये होता है कंट्रोल एफ, फाइंड से फाइंड करता है, कुछ में लिख फाइंड करना चाहते हैं, जब चाहते हैं कि जिसका अशोक पे जाना है, इस पर आपने अशोक सेलेक्ट किया एंटर कर दिया, आप अशोक पे आ गए। उसी तरह रिप्लेस होता है, जैसे कि आप चाहते हैं कि, जैसे आप चाहते हैं यहाँ पे कि अशोक जो है, अशोक छोटा में लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ अशोक लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे फाइंड पे किया था अशोक, आप रिप्लेस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे अशोक को यहाँ पे जैसे चेंज कर देना चाहते हैं, रिप्लेस ऑल कर दीजिए, जहाँ जहाँ अशोक होगा सब जगह रिप्लेस ऑल हो जाएगा। उसके बाद शॉर्ट में और भी फाइन रिप्लेस में और भी है, फाइन रिप्लेस गो टू, गो टू आप कहीं जाना चाहते हो, वहाँ पे उसका एड्रेस भी दो जाना चाहते हो, जैसे आप जाना चाहते हो A6 आपने टाइप किया और एंटर मारा, आप A6 में आ जाएंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा क्योंकि हमने यहाँ पे रेंज डिलीट नहीं किया था, A6 पे क्लिक किया एंटर मारा, A6 पे हम आ गए। उसी तरह गो टू से और भी, उसे गो टू स्पेशल, गो टू स्पेशल में क्या होता है कि जैसे ये मोस्टली यूज क्यों होता है, जैसे आपने फिल्टर कर लिया डाटा को, आप फिल्टर कर लिया पूरा का पूरा, हम फिल्टर लगाते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल करते हैं या फिर यहाँ से हम इस पर क्लिक करके फिल्टर लगा देते हैं। अभी क्या होगा, तो हमने कभी सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने क्या किया है कि अशोक को सिलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ से हम कॉपी करते हैं इसको, तो कभी कभी क्या होता है कॉपी में अनफिल्टर डाटा भी आ जाता है, कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है जैसे कंट्रोल जेड वगैरह हम कर देते हैं तो अनफिल्टर डाटा भी आ जाता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं गो टू स्पेशल, इसमें हम डालते हैं विजुअल सेल्स ओनली
एंड ओके। इसमें क्या, आप जो सिलेक्शन हुआ अब जो कॉपी कीजिएगा आप, तो आपको यहाँ पे जो जो भी विजुअल है वही कॉपी होगा। बैकएंड कोई गारंटी नहीं, एकदम 100% होता है कि बैकएंड का डाटा उठ के नहीं आएगा, जो ऑन विजुअल है वो डाटा उठ के नहीं आएगा, वो कॉपी नहीं होगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम गो टू का यूज करते हैं। इसके बाद इसके अंदर हमें और भी चीज़ें है, फार्मूला, जहाँ जहाँ फार्मूला लगा है वहाँ पे आपको भेज देगा ये, जहाँ सेलेक्ट करके दिखा देगा कि सारे एरिया पे जहाँ फार्मूला लगे हैं। आपको ये पता करना है कि फार्मूला कहाँ कहाँ पर लगा है, तो गो टू फार्मूला कर दीजिएगा, सारे जितने भी जहाँ भी फार्मूला लगा होगा वो सारे फार्मूला के क्लिक कर देगा। गो टू कमेंट, कमेंट कहीं है नहीं इसलिए नहीं दिखाया, कहाँ जहाँ कमेंट लगा होगा सबको सेलेक्ट करके दिखा देगा आपको। गो टू कंडीशन फॉर्मेटिंग, जहाँ भी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा होगा वहाँ पर दिखा देगा आपको। इसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट, ये सारे ये जहाँ भी होगा वहाँ पे आपको ले जाएगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे चले जाओ, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए होता है कहीं पर, अगर ऑब्जेक्ट लगा है तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। इसलिए हम एक में करके देखते हैं इसको ऑब्जेक्ट का काम। जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट में गए, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट लिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हम इसकी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके दो तीन चीज़ कर लेते हैं, दो तीन जगह पेस्ट कर देते हैं। अब इन दोनों को हमें इकट्ठे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम गो टू जाते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया हमारा, इसके लिए यूज होता है। तो आपके जो मोस्टली सारे के सारे जितने भी थे सारे के सारे हम यूज कर चुके हैं। इंसर्ट ऑप्शन में हम इंसर्ट ऑप्शन में हम देखेंगे सबसे पहले पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या यूज है? पाइवट टेबल डाटा को समराइज करता है, डाटा की समरी तैयार करता है, जिसका जैसा चाहिए वैसा आपको डाटा का समरी आपको बना के दिखाता है। जैसे हमारे पास एक डाटा है जिसमें रिसिप्ट नंबर है, डेट है, कस्टमर नेम है, ये डाटा है, इसकी एक मुझे समरी शीट तैयार करनी है और इस पर पाइवट टेबल यूज करना है। ये बुक नंबर है, इस बुक में एक रसीद बुक है, इसके अंदर 25 पेजेज होते हैं, 25 रसीट्स होती है, उन रसीट्स के ऊपर ये पेमेंट उठा हुआ है जो कैश भी है और चेक भी है। तो हमें एक ऐसा रिपोर्ट बनानी है जिसमें बुक नंबर, टोटल कैश, टोटल चेक एंड टोटल कैंसल्ड, यहाँ पे बुक नंबर आनी चाहिए, यहाँ पे इसका अमाउंट आना चाहिए, यहाँ पे चेक की अमाउंट आनी चाहिए, टोटल चेक कितने कलेक्टेड है, और यहाँ पे टोटल कैंसल्ड कितने सीट कैंसल हुए हैं, वो सारे शो होने चाहिए। ऐसी रिपोर्ट हमें एक तैयार करनी है, इस रिपोर्ट को हम पाइवट टेबल के जरिए तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करते समय हम देखेंगे कि हमारा सीट कोई भी ब्लैंक नहीं होनी, कोई भी हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। ये जो हेडिंग आप देख रहे हैं ये हेडिंग कोई ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, अगर ब्लैंक है तो पाइवट टेबल आपका नहीं लगेगा। उसी तरह नीचे भी रो कोई ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, पूरी की पूरी रो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, वरना आपका पाइवट टेबल जहां पे अनब्लैंक मिलेगा वहीं तक रुक जाएगा। हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल, पाइवट टेबल के अंदर में दो ऑप्शंस है,
एक पाइवट टेबल एक पाइवट चार्ट। हम पहले पाइवट टेबल को देखते हैं। यहाँ डाटा रेंज है, आप डाटा रेंज को वेरीफाई कर लीजिए, या फिर कोई एक्सटर्नल डाटा सोर्स है उस डाटा को चूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंटरनल डाटा को ही देखते हैं। फिर यहाँ ऑप्शन पूछता है कि न्यू वर्कशीट या फिर जो वर्कशीट है अभी जहाँ एग्जिस्टिंग है उसी पे, आप ऑलरेडी कोई वर्कशीट बना रखे हैं उसी पे देना चाहते हैं, या फिर नया वर्कशीट। ओके कर दीजिएगा तो नया वर्कशीट पे चला जाएगा। अगर यहाँ इस पर क्लिक करते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे, तो उसका रेंज आपको देना पड़ेगा। फिर ओके कर दीजिए। इसके बाद ये आपके चार फील्ड देख रहे हैं, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेवल, रो लेवल और वैल्यू। ये रो की हेडिंग होती है, यहाँ पे कॉलम की हेडिंग डाल सकते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन डालिए, किसका सम चाहिए, किसका एवरेज काउंट वगैरह चाहिए वो डाल सकते हैं। यहाँ फिल्टर कि किसी को फिल्टर करके देखना हो फिल्टर डाल सकते हैं। तो हमारा बुक नंबर जो है वो रो हेडिंग में है, तो बुक नंबर को हम रो में डालते हैं। देखिए यहाँ पे, फिर आता है टोटल कैश, तो मोड को हम यहाँ पे डालते हैं क्योंकि तो डाटा में मेरा मोड यहाँ पे है, मोड के अंदर में कैश और चेक है, इसलिए हम रिपोर्ट फिल्टर पे जाते हैं। फिर ईएमआई को अमाउंट को हम ऑपरेशन में डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए काउंट दिख रहा है, यहाँ पे काउंट ऑफ ईएमआई है, लेकिन हमें तो सम चाहिए, तो हम वैल्यू सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सम सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे कितने रिसीट कैंसल्ड है वो हमें देखनी है। यहाँ पे कैश का सम हो गया, चेक का सम हो गया। और कैंसल्स इसके अंदर में दो है जिसके अमाउंट जीरो है। तो इस तरीके से हम पाइवट टेबल यूज करके और कर सकते हैं। अगर आपको डेट फिल्टर करना है, फिल्टर का यूज करना है, तो आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। आपको ये पता करना है किस डेट में किस रसीद से कितना पैसा उठा है, यहाँ से डेट फिल्टर कर सकते हैं। ये आपका पाइवट टेबल का यूज हुआ। इसके बाद इसके इंसर्ट क्रम में था पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट के देखते हैं पाइवट चार्ट क्या होता है। वापस डेटा पे जाते हैं, पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, पाइवट चार्ट, एग्जेक्शन वर्कबुक, लोकेशन देंगे कि हमको कहाँ चाहिए पाइवट टेबल एंड ओके। इसमें आपको दो विंडो दिख रहा है, एक तो ये पाइवट टेबल का विंडो हो गया, ये आपका चार्ट का विंडो हो गया। मतलब कि पाइवट चार्ट क्या करता है कि पाइवट टेबल के साथ ग्राफ को इंसर्ट कर देता है और ग्राफ इससे कनेक्टेड होते हैं। देखते हैं यहाँ पे करके, हम बुक नंबरों को यहाँ डाला हमने, मोड को हमने रो
कॉलम में डाला और ईएमआई को ऑपरेशन में डाला वैल्यू में, और इसको सम कर दिया हमने। इसको यहां से क्लोज कर सकते हैं। एंड ओके, ये ग्राफ इस चार्ट से अटैच्ड हो गया। ये जो पाइवट टेबल है, ये पाइवट टेबल वैल्यू चेंज होगा, ग्राफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इस चार्ट से आप यहां से अलग मूव कर सकते हैं। इसके ऊपर वैल्यू चाहिए तो वैल्यू भी डाल सकते हैं एड डाटा लेवल से। इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो एक चार्ट का, एक ग्राफ और चार्ट, पाइवट टेबल और ग्राफ का यूज है। फिर आता है टेबल। अच्छा, हम डाटा को कॉपी करते हैं, मैंने वहां से डाटा को यहां पे लाया। अब इसको टेबल करना है मुझे, तो आपने इस ऑप्शन में, यहां पे आपने देखा था फॉर्मेट एज ए टेबल, सेम चीज यहां भी है, बट यहां पे बाय डिफॉल्ट एक फॉर्मेट होता है। अगर अलग फॉर्मेट चाहिए दोबारा चूज कर सकते हैं आप। सेलेक्ट कीजिए, टेबल पे क्लिक कीजिए एंड ओके कीजिए। यहां से आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं आप यहां से। राइट क्लिक कीजिए, टेबल पे जाइए, टोटल लो, यहां आपको टोटल दिखा देगा। सेम चीज यहां भी कीजिए, फिर हम पिक्चर्स में आते हैं। हमने यहां से पिक्चर लिया, दोबारा करके देखते हैं। अगर कोई पिक्चर मुझे इंसर्ट करानी है, कहीं पिक्चर मेरा सेव है वहाँ, उसको यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो पिक्चर से हम कर सकते हैं। पिक्चर पे क्लिक कीजिए, इमेज को सेलेक्ट कीजिए, देन इंसर्ट। यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को, री कलर यहाँ चेंज कर सकते हैं। पिक्चर चेंज करना है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पिक्चर को रिसेट करना है, रिसेट कर सकते हैं। यहाँ से पिक्चर स्टाइल है, पिक्चर की स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट वैसा ले सकते हैं, या फिर पिक्चर को किसी शेप में डाल सकते हैं।
अच्छा कि बॉर्डर कलर को चेंज कर सकते हैं, पिक्चर पे 3D इफेक्ट डाल सकते हैं, शैडो वगैरह। फॉर्मेट पिक्चर पे आप जी कर सकते हैं। इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर तीन चार पिक्चर्स आपके पास है, इसको अलाइन करना है। अलाइन कर सकते हैं, अलाइन के सारे ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं अलाइन के लिए। अगर कोई छोटा है पिक्चर्स, अगर छोटी पिक्चर है वो इसके नीचे आ गया, तो इसको आप बैक में भेजना चाहते हैं तो बैक भी भेज सकते हैं, सेंड टू बैक। अगर तीनों पिक्चर्स को आप ग्रुप करना चाहते हैं तो ग्रुप भी कर सकते हैं। फिर अनग्रुप करना है तो आप वापस यहीं से अनग्रुप कर सकते हैं। इस तरह क्लिप आर्ट है, क्लिप आर्ट भी इसी तरह का सेम है, जो सिस्टम में बने हुए आर्ट्स होते हैं वो आर्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। और सारी जो अभी आपने पिक्चर पे अप्लाई किया है सारी चीज़ इस पे भी कर सकते हैं। इस तरह सैप्स हैं, सैप भी इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं इसको लेके। इसकी कलर चेंज करनी है, शैडो चेंज करनी है, ऐसे कर सकते हो। लाइन कलर चेंज करनी है, लाइन कलर चेंज कर सकते हैं आप। टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं आप इसमें। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं यहां से आप। फिर आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या करता है, यहाँ से आपको कुछ भी आर्ट वगैरह ले सकते हैं जो बने हुए हैं, जो फॉलो चार्ट होते हैं, फॉलो चार्ट वो ले सकते हैं इसमें। जैसे एक बना के हम देखते हैं,
इस तरह से आप बना सकते हैं। आपको इसको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं आप यहाँ से, या डिजाइंस है डिजाइंस आप ले सकते हैं। और भी डिजाइंस है इस तरह से आप बहुत जितने भी इसके अंदर दिए गए हैं सारों के यूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर आता है चार्ट। चार्ट अभी भी आपने पाइवट पाइवट चार्ट के जरिए चार्ट की तो देखी होगी, हम चार्ट को डिटेल में समझते हैं। यहाँ तो आपने चार्ट को देखा ही है, हम चार्ट को डिटेल में समझते हैं। पहले हम सिंपल कॉलम चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे, चार्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे, देन ओके। ये कॉलम चार्ट आपको दिख रहे हैं, यहाँ हम चार्ट के लेआउट्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये सारे चार्ट्स के लेआउट्स हैं, अब आप अपने अकॉर्डिंग चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर वैल्यू शो करानी है तो ऐड डेटा लेवल्स, इसकी कलर चेंज करनी है तो सेलेक्ट कीजिए इसको, फॉर्मेट डेटा पॉइंट्स, फिल, सॉलिड फिल, इसके बाद कलर सेलेक्ट कर दीजिए। सारों को करना है तो सारों सेलेक्ट हो गया, फिर सेम प्रोसेस को फॉलो करें। पीछे से इस लाइन को हटाना है तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस करें। और इस पूरे एरिया की आपको करनी है तो यहाँ से पूरे एरिया को कर सकते हैं। या फिर यहाँ से चार्ट की टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं, चार्ट टूल्स में जाके डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर चार्ट के टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कीजिए, चेंज चार्ट टाइप। हम लाइन चार्ट को देखेंगे, उसी तरह और भी सारे चार्ट्स हैं। ये चार्ट शेयरिंग के लिए यूज होता है,
इसी तरह आप सारे चार्ट्स को यूज कर सकते हो। डाटा को चेंज या बड़ा करना है तो डायरेक्टली यहां से घटाओ बढ़ा सकते हैं आप। स्विच करना चाहते हैं कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, यहां से कर सकते हैं आप। चार्ट को मूव करना है, मूव कर सकते हैं। तो चार्ट आपको समझ में आ गई होगी, सारे सेम चार्ट्स हैं, कोई भी लेके फोर्सेस सबका सेम है। फिर आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? लिंक क्रिएट करता है जिससे हम इस पर हम क्लिक करके कहीं जा सकते हैं, किसी फाइल या फोल्डर जिसका लिंक हमने बनाया है उस पर जा सकते हैं। आइए करके देखते हैं। अब इस टेक्स्ट पे हम मुझे डेटा सीट का लिंक क्रिएट करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे हाइपरलिंक प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट डेटा एंड ओके। इस पे क्लिक करते हैं, यहां पे चले आएंगे। अगर हम मुझे किसी वेबसाइट को इससे कनेक्ट करना है, आप चाहते हैं इसको खोलते हैं कोई वेबसाइट खुल जाए, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करके भी हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। यहां पे उस वेबसाइट का यूआरएल टाइप कर दीजिए। देन ओके। कोई फाइल भी ओपन कर सकते हैं। पे क्लिक करते ही वी कार्ड ओपन हो जाएगा। फिर आगे आते हैं हम चार्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? टेक्स्ट लिखने के लिए होता है। लिखने से फायदा होता है कि आप किसी तरह से मूव कर सकते हैं उसको, कहीं भी इसको सेट कर सकते हैं आप। इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिर हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर तो आप प्रिंट पे पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पे हेडर एंड फुटर डाल सकते हैं जो भी आपको डालना हो। ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, फुटर के लिए भी सेम। वापस आना है व्यू पे जाके, नॉर्मल पे आ जाइए।
बॉड आर्ट, यहाँ से आप बॉड आर्ट ले सकते हैं कोई। साइज को छोटा करने के लिए आपको टेक्स्ट साइज छोटा करना पड़ेगा, इसको भी आप रोटेट कर सकते हैं, इसमें भी आप इसकी भी फॉरबेंडिंग कर सकते हैं, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसमें भी आप इफेक्ट डाल सकते हैं। इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आप कोई भी सॉफ्टवेयर को अपने एक्सेल के जरिए रन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बिटमैप इमेज है, इसको हम खोलते हैं। ये आपको पेंट खुल के आया, इस पर आप कोई भी काम कीजिए। फिर आप क्लोज कीजिएगा तो एक्सेल के अंदर ये आ जाएगा। इससे आपकी पिक्चर की क्वालिटी सही होती है, जैसे फोटोशॉप वगैरह या फिर कोरलड्रॉ वगैरह के आप सॉफ्टवेयर डालते हैं उस पर काम करते, कोई इमेज डालते हैं तो आपकी इमेज की क्लियरिटी जो अच्छी रहती है। फिर आप उसमें एडिटिंग करना है तो इस पर डबल क्लिक कीजिए और इस पर एडिटिंग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के जरिए हम किसी फाइल को भी डाल सकते हैं। जी आइकन देख रहा है ना, ऐसे आइकन बना हुआ आपके एक्सेल के अंदर आ जाएगा, लिंक भी है, इस पर डबल क्लिक करते हैं आपको फाइल खोल भी सकते हैं। फिर आता है सैम्बल। सैम्बल्स करेक्टर्स जो होते हैं, स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, इस करेक्टर जैसे करेक्टर है, ऐसे करेक्टर को इंसर्ट करने के लिए होता है जो आपके कीबोर्ड में नहीं है। क्लिक कर इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, इंसर्ट हो जाएगा, क्लोज कर दीजिए। आपका इंसर्ट मेनू बार खत्म हो चुका है। इसमें आपने सीखा पिवट टेबल, टेबल पिक्चर्स और सैपिंग, चार्ट, हाइपरलिंक, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर, बॉर्ड आर्ट, ऑब्जेक्ट एंड सैम्बल। आगे हम सीखते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट को कुछ करने से पहले कुछ ऑब्जेक्ट मुझे अपने सीट पे लाना होंगे। फिर आते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट क्या करता है, पहले सबसे पहले थीम्स है, थेम से आपका थेम्स वर्कशीट के जो थेम्स है वो चेंज होता है। ये आपका ऑब्जेक्ट पे ही दिखेगा सही से, सिलेक्ट करके देखिए। उससे आप फॉन्ट की इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, जो वर्ड आर्ट की फॉन्ट होते हैं उसको चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं एंड इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। पेज सेटअप तो आप देख ही चुके हैं, मार्जिन आपको पता ही है, मार्जिन से पेज की मार्जिन हम करते हैं।
फिर इसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, कैसा प्रिंट चाहिए आपको, हॉरिजॉन्टल चाहिए वर्टिकल चाहिए वो डाल सकते हैं। पेपर साइज, पेपर साइज में आप अपनी पेपर साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका पेपर साइज कैसा होना चाहिए। फिर आता है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया क्या होता है, सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारा एक पार्ट है, सिर्फ यही पार्ट प्रिंट आए, बाकी कोई और प्रिंट में ना आए, यहाँ से हम सेट प्रिंट एरिया कर देंगे। अब हम प्रीव्यू देखेंगे तो बाकी के डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाई नहीं देंगे, हमें सिर्फ इतना ही दिखेगा। इसको क्लियर करना है तो वापस क्लियर प्रिंट एरिया, जो सिलेक्शन एरिया है, सिलेक्शन में हम चाहते हैं कि बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो नेक्स्ट पेज पे आए, यहाँ से पेज ब्रेक हो जाए, तो यहाँ से पेज ब्रेक कर सकते हैं। अब ये अलग पेज हो गया और ये अलग पेज हो गया, इसकी प्रिंट अलग पेज पे आएगी, जैसे इससे अलग पेज आए, भले ही पेपर में साइज बचा हो, पेपर का जगह बचा हो, फिर भी ये नेक्स्ट पेज में प्रिंट करेगा। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड से क्या होता है कि हम अपनी बैकग्राउंड में कोई इमेज डाल सकते हैं, यहाँ से लीट वापस लीट कर सकते हैं। फिर आती है प्रिंट टाइटल, प्रिंट टाइटल क्या करता है आइए देखते हैं। ये देखिए कि प्रीव्यू देखिए, जब हम नेक्स्ट पेज करते हैं तो ऊपर की हेडिंग नहीं दिखती है, तो इस तरह से बहुत सारे प्रिंटिंग करने के बाद हमें किसी कॉलम के हेडिंग को देखने समझने में दिक्कत फेस होती है, दिक्कत होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो हेडिंग है हर एक पेज पे आए, हमारा जो टाइटल है वो हर एक पेज पे आए, तो इसके लिए हम करते हैं प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल पर क्लिक कीजिए और यहाँ से टाइटल को सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें ग्रिड लाइन है, आप ग्रिड लाइन को प्रिंट करना चाहते हैं ग्रिड लाइन भी होगा, ब्लैक एंड व्हाइट चाहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट होगा, ड्राफ्ट क्वालिटी में आपके इमेजेस वगैरह नहीं आएंगे, रो एंड कॉलम हेडिंग जो ए बी सी डी और 1 2 3 जो दिख रहा है कॉलम और रो की हेडिंग ये भी प्रिंट में आएंगे, जैसा चाहिए वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं आप। आइए वापस प्रिंट व्यू देखते हैं, नेक्स्ट कीजिए, अब हेडिंग सब पे आ रही है। फिर स्केल फिट, स्केल फिट क्या होता है कि अपनी पेजेस को, अपने जो डेटा को आप पेजेस के अंदर में स्केल के अंदर में फिट कर सकते हैं कि आपको कितने चाहिए, यहाँ से आप पेजेस के अंदर सेलेक्ट कीजिए हाइट और विड्थ, उसके अकॉर्डिंग इसको छोटा और बड़ा कर देगा। अतः सीट ऑप्शन, सीट ऑप्शन में आप ग्रिड लाइन नहीं देखना चाहते हैं यहाँ से हटा दीजिए, ग्रिड लाइन नहीं दिखेगा, दिखना चाहते हैं दिखेगा, अब चाहते दिखे और प्रिंट में भी आए तो प्रिंट में भी आएगा। उसी तरह हेडिंग भी है, अगर व्यू हटा देते हैं तो जो 1 2 3 और रो कॉलम की हेडिंग हट गई, आप चाहते हैं कि हेडिंग प्रिंट में आए तो यहां से भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को आप पीछे भेजना चाहते हैं तो बिगिन टू यहां पे सिलेक्ट कीजिए, इसको वापस ऊपर ऊपर लाना है, इतने सारे इमेजेस हो गए, इसको एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर किसी को हाइड करना चाहते हैं यहां से हाइड कर सकते हैं, वापस होगा। अलाइन और ग्रुप जानते ही हैं, हमने पिछले सेमेस्टर में आपको बताया था, फिर भी एक और हम देखते हैं। सबको हमने सेलेक्ट कर लिया, अलाइन पे गए, लेफ्ट में कर दिया, सारे लेफ्ट में आ गए, राइट में करेंगे राइट में आ जाएंगे, टॉप टॉप में आ जाएंगे, सारे टॉप के अगले लाइन हो जाएंगे।
ग्रुप करना है ग्रुप कर देंगे, अनग्रुप कर देगा, रोटेट करना है हमें, इसे रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट हो जाएगा, डिग्री डिग्री चेंज करना चाहते हैं डिग्री चेंज हो जाएगा। तो पेज लेआउट बेसिकली आप पेज का व्यूइंग है, लेआउट से कि आपका पेज कैसा की लेआउट पेज कैसा दिखेगा, आपके डेटा पेज कैसा होगा, आपने ऑब्जेक्ट पे काम किया है ऑब्जेक्ट कैसा होगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में हम फार्मूला पढ़ेंगे, फार्मूला को देखेंगे। आपका लेवल वन कंप्लीट हो चुका है, आपने लेवल वन में सीखा होम और इंसर्ट पेज लेआउट, तीन तीन टैब के ऑप्शन सीखे, पिवट टेबल सीखा, चार्ट सीखा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंडीशन फॉर्मेटिंग सीखी, इन सारे चीज़ों का आपने सीखा। अगले सेमेस्टर में हम सीखेंगे फार्मूला जो आपका एक्सेल लेवल टू होगा,